पंडरे हिमालय रे आले आ बंद सरे बाजार पंडरे हिमालय रे आले आ बंद सरे बाजार अबला एक उदास बीजी मंगला सारे अबला एक उदास बीजी मंगला सारे لا
शब्द सुनावे देखना दियाने सुनावे वही हमारी उड़ी आवे गुराज बिना उन परेम जल पावे वरानी रह किसी वजह घूंटे म्यारानी रह परेम जल आप पूजी मेरा कुछ स्वरूपी रही भ्रवास नारे ले आप गुरुजी मेरा कुछ स्वरूपी रे भ्रवास नारे ले रानी रे किसी वद खूंटे मिया रानी रे किसी वद खूंटे जेले सायर वाले आवे गुना परेम जल थारा हस्ती रे हस्ती ने साले सिखावे हिमारा मावद में थारा हस्ती रे हस्ती ने साले सिखावे ज्ञान ध्यान राय दे दे भाला ज्ञान ध्यान रे दे दे भाला अंगस दे होले कावे गुराजू उन परेम जल पावे वारा नी रे किसी वद खूंटे मिया रानी रे किसी वद खूंटे ले सायर वाली आवे गुराजी उन परेम जल पावे आ दूध में गिरत मेरी रे माए लाली रे ज्ञान गुराशे मेरी माए लाली जान गुरा शेरे आवे गिरदारे लाला परेम रा प्यासा गिरदारे लाला परेम रा प्यासा गुरु शरणे सुख पावे गुरा जी गुण परेम जल किसी वद खूंटे म्यारा नी रे किसी वद खूंटे ले सायर वाली आवे गुराज गुण परे मेल वाए आबूरी जगह पहली ब्रह्म खाड़े थी अरे तो अन ब्रह्म खाड़ रे कोरे कोरे सब ऋषियां री झोपड़ियां थी अरे और ऋषियां रे आश्रम रे माते हरेक ऋषि रे आश्रम माते एक गाय रे थी अरे क्योंकि गाय पूजा रे लिए सही जे गौरो दूध है घी है गोमूत्र है गौरो गोबर है सब कामिया थे अरे ऋषि मुनिया रे आश्रम माते हरेक हरेक ऋषि रे आश्रम माते एक गाय रे थी अरे तो अन जगह जते आबू है अन जगह ब्रह्म खाड़ थी कोरे कोरे सब ऋषियां री झोपड़ियां थी अरे तो ऋषि मुनि है दंदरा वे गायन ने सरवार हारू सोड़ता अरे वे जाती गायन सरती सरती जाड़ी उन कोई न कोई गाय है जो एक ओत्र बीजे ब्रह्म खाड़ में पड़ती खमा अने ऋषि मुनि विचार की दो रे ब्रह्म खाड़ ने कोई करिन बुरा तो ठीक वे वे पण ब्रह्म खाड़ का तो घणी उड़ी वे अरे तो ए ऋषि है तपस्या करे न सब पहाड़ है मोटा मोटा अरे नीलगिरी है हिमाचल है अरे और एड़ा एड़ा जो पहाड़ है अरे आबू है गिरनार है अरे भूरा करे एड़ा जो पहाड़ है उन्होंने पहली वसनाम लीधा अरे उन्होंने बोलाए तपस्या करे मोटा मोटा पर्वत है उन्होंने बोलाए कि भैया ये कोई न कोई हमारा उपकार करो के ब्रह्म खाड़ में कोई पड़ी ना ब्रह्म खाड़ ने बुरो अरे तो जितना जो पहाड़ है था मोटा मोटा वे हैंग पूरा नटिया के ब्रह्म खाड़ तो माने भी आवे अरे तो
ओ आबू है ओ हेंगो छोटो अरे बीजा ने तो मोटा मोटा पर्वत है ने राजा री पदवी है अरे के ईमा सल राजा ओ फलाणो राजा अरे ओ आबू है जो छोटो छोट भाई थी आबू विसार की तो ए तो हेंग दुरिया ब्रह अरे अने क्यों रुसिया ने क्यों देखो मुंह आब्रम खाड़ बुरू अरे पण मने थोड़ा दिन महादेव जी की तपस्या करनी पड़ी अरे शिव जी जो मने साथ दिए शिव जी रो सहारो वे तो मैं ब्रह्म खाड़ में पड़ सकू अरे तो अने आबू है जो पहली है जो महादेव जी तपस्या की दी अरे महादेव जी प्रश्न है आबू ने वरदान दी दो अरे के जा तुम ब्रह्म खाड़ में पड़ अरे और वो ऋषियों रो उपकार कर अरे जो शायद तुम ब्रह्म खाड़ में पड़ गियो अरे तो मुँह थने सहारो दो अने आबू आबू महादेव जी ने प्रश्न किया महादेव जी के जा आबू थू जो प्रोज जाए प्याल में अरे तो मने याद करे मुथने सारो दो तो जनते में आबू पासा ऋषि मुनियन के देखो मैं ब्रह्म खाड़ बुरू अरे पण मने अतरी वात्रा वरदान दियो अरे के एक तो वारो वार मारे माते वारिस वरसाद वेणो सही जी एक मने राजा री पदवी देणी के आबू राज अरे दोर तीजी बात है कि जत्री वनस्पति है अरे मरवा जीववा तक जो बूटी जड़ी बूटी है वा सब वनस्पति अडारे बार वनस्पति मार माते वेणी सही जे का जड़ी बूटी नहीं है एड़ो आबू माते नहीं वेणो सही जे एक बात आए कि जत्रा ऋषि मुनि और देवी 33 करोड़ देवता रो मारे ऊपर वास वेणो सही जे एक बात आ है कि कोई मारे ऊपर आवे श्यार दिन बिले तपस्या नहीं करे तो वनो भजन है वनो तीर्थ यात्रा की दौड़ी कोई कामयाब नहीं दे अरे अत्री बात मैंने वरदान दियो पसे मैं ब्रह्म खाड़ ने बोलू तो ऋषि मुनि तथा अस्तु किधो है अरे जा आबू राज आज थी थने आबू राज री पदवी बारो बार थारे माते वरसाद और जत्री जड़ी बूटी वनस्पति जत्री थारे माते सूखती हुई अरे और 33 करोड़ देवता ने थारे ऊपर वास हुई अरे जरे आबू है जो अन ब्रह्म खाड़ रे मैं पढ़ियो ने अरे तो पहलो भाग आबू रो अरे कह के शार भाग नमाए जमीन में अरे तो महादेव जी वरदान दे दो के पहलो निचलो भाग वो होनार हो जाए अरे सपन प्याले आबू सोवनो शंकर पेड़ी छड़िया अरे वारी वारी आबू धाम ने नाया प्रक्षत झड़िया झड़िया खमा तो आबू राज जरे ब्रह्म खाड़ ने मैं पढ़िया अरे पण ते मैं जो ने तीन भाग जमीन में ज्ञान पुकार की दी खमा शिव जी ने यार किया कि मुँह प्याल में जातो रहो अरे तो महादेव जी पगरा ऊंटारे माते ने अदर राखियो अरे जब पहली आबू रे माते आबू इसले सर महादेव जी स्थान हुआ पसे बाकी 33 करोड़ दे तो अपन पहली आबू इसले सर हुआ अरे तो जरे कहे हैं सपन प्याले आबू सोवनो शंकर पेड़ी छड़िया वारी वारी आबू धामने नायो प्राक्षत झड़िया तूके तूके आबू केत की झरने अमीर से भरिया अरे वारी वारी आबू धामने नायू प्रक्षत झड़िया गंगा जमुना आबू गोमती नक्की मा निर्मल भरिया अरे वारी वारी आबू धामने नायू प्रक्षत झड़िया उषा असल गड़ेला मालिया देव मने 33 करोड़ मलिया वारी वारी आबू धामने नायू प्रक्षत झड़िया बोरी घणी दता टेकरी वटे ऋषि मुनि जन सड़िया वारी वारी आबू धामने एक नायू प्रक्षत झड़िया प्राग नाथ आबू परसी हो तो पसे गुरु दिया नाथ मलिया वारी वारी आबू धामने जो नायू प्रक्षत झड़िया मटिया रे तुई धर्म रोए वीर हमारा रे परसम धरव ने विराजो मारे
अंबावजी कने दोता शहर है, दोता में पहली राजा एक है, दोते दरबार बूढ़ा है, तो दोते दरबार संतारा भाविक था, तो एक सेविदास जी करें महाराज संत था, वे सेविदास जी महाराज फिरता फिरता है जो को दोते शहर गया, दोता शहर में गया तो दरबार दोते दरबार संतारा साधुरा भाविक था। अब वे सेविदास जी महाराज है तो दोता शहर में आया तो दरबार जी के कुछ संत जा रिया है और एक आदमी आप दरबार है भेजियो कि भाई महाराज ने अपने दरबार में बुलाओ। महाराज एक दिन ठहरिया उठे, महाराज री शांत वर्ती और शीलर वर्ती रा महाराज ने देखिया दरबार की और संत तो अपने अटे रोजी ना कोई ना कोई आवता ही रहे, पर महाराज जी वृत्ति ठीक है, बड़ा संतोषी है महाराज। एक दिन ठहरिया, बीजे दिन सेविदास जी महाराज उठाऊ रवाने हुआ तो दरबार महाराज ने कहो कि महाराज एक दो दिन और ठहरो। महाराज सेविदास जी कह रहे राजन ठहरो तो खरा पर मारे में एक दो दिन में शत्रुमास बहवा वालो है, तो कटी चार महीना एक जगह आसन करूं, अड़ा कोई भक्त मले आगे जाऊं कोई देखूं भक्त एक टाइम मने भोजन करावे सेवा करे, अड़ा कोई संत वे तो आगे जाए मारे चार महीना आए तो एक जगह आसन राखो। दोता दरबार दोते दरबार की महाराज मुई आप रो भावी कोई छू पर मुझ संतोरी सेवा करनी चाहू सो आप अटी शत्रुमास पूरा करो। तो महाराज सेविदास जी देखियो रे राजा है अनोरे सहजे जो घर में शीज तैयार है ए पण सेवा उठावनी सवे तो अपने अटी आसन करनो ठीक है। तो महाराज सेविदास जी दोते दरबार रे उठे समाचो कीधो दरबार रे श्यार कवर हता, पोछो जी वजो जी नारण जी और पोछो जी वजो जी रूप जी ने नारण जी श्यार कवर राजा रे था। अब दरबार श्यारी कवरों ने लेकिन महाराज ने हूं किया है महाराज श्यारी कवर भगवान राय ना आप रही जे आप श्यार मिनाटे छमा सो पूरो करो त्रेणा ने अच्छी तरह पढ़ाई कराओ कैडी खटकर्म री पढ़ाई धार्मिक ध्यान है स्नान है दान है तप है यज्ञ अनारी विधि है जो अच्छी तरह ने आप समझाओ। तो महाराज श्यार मीना दर्द होते दरबार उठे समा चौकी दो अत्रे वे श्यारी कवर महाराज रखने रोजी ना टेमो टेम आप फड़ाई करे यूं करता है महाराज रो समा चो पूरो हुओ। फिर सेविदास जी महाराज दरबार ने क्यों कि राजन हमें मैं एक थोड़ा नहीं रहूं मैं मारे जो को कटी तीर्थ यात्रा में जाऊं क्योंकि संत एक जगह पड़ियो रहना ठीक नहीं है। वेता नीर नर्मला पड़िया गंदीला होए साधु रमता भला जारे दाग न लागे कोए। अब वे श्यारी कवर है जो को विचार की दोरी महाराज तीर्थ करवा जा रिया है और महाराज अपने श्यार मीना पढ़ाई कराई है अपने मनक बनाया है तो गुरु महाराज ने अपनी सेवा नहीं उठाई जो थोड़ा दिन है जो महाराज रे हाथे जहाँ तो ठीक है तो अपनो फर्ज पूरो वे वे श्यार राजा रा कवर है जो को दौते दरबार रे आगे जाए हाथ जोड़िया है कि आप रो हुक्म वे तो मैं सेविदास जी महाराज मारे गुरु महाराज ने हाथे श्यार मीना है जो कटी तीर्थ यात्रा करी ना हो। तो दरबार बड़ी खुशी थी कि जाओ भाई महाराज री सेवा उठाओ जो महाराज रा हुक्म में रहो और आवे तो महाराज ने पासा लेने आज नहीं तो थी वेगा। अब श्यारी वे दरबार रा कवर ने महाराज सेविदास जी पहुंची गुरु से लौटा रवाने हुआ है तो वहता वहता घना थोड़ा दिन हुआ है दिल्ली पहुंचिया है। सेविदास जी महाराज रे एक नियम हतो कि हाँ जरा रोज हाँ बेटी जरे आप पड़े अगतारो राखता एक तार रो वो एक तारो लेन रोज महाराज श्यार भजन तो सेविदास जी महाराज ने हाजरा गावने पड़ता साहे कटी गांव में ठहरो कोई भक्त रे वटे ठहरो साहे भले जंगल में जरो पर श्यार भजन तो महाराज ने गावने पड़ता। और वे दरबार रा बेटा श्यार ही है तो महाराज रखने श्यार में छमा सो पूरो हुए अतरे पाड़े मजीरा बीजा बजावना करवा वाकफ भी गया पाड़े राग करनी भजन गावना वे वाकफ हुआ कर ए मैं गुरु से लो पहुंची जना फिरता फिरता दिल्ली पहुंचिया है
दिल्ली शहर बारे जो दन अस्त गुर बटे आप जाए आप सामान मिले पढ़ाओ कीधो है शहर थी बारे तो उन दिन बास तारे ईद थी ईद रो दिन तो जो बास तारी वो वड़गोड़ो निकली उठो तो महाराज सेविदास से कोई ज्ञान सरसा करता था सारी भाई एक सित वे महाराज ज्ञान हमड़ता था ने के बास तारी सवारी निकली ने वड़गोड़ो दावा देव भगवान के वे तीन जना तो बराबर महाराज री बात में सित लागोड़ो और एक पोछो जी नाम रो भाई था जो बनारो सित लागो बन वाजा रे था क्यों बास तारे वाजा वाजे ना सेविदास जी महाराज विचार की दोरी अन तीन जना ने मैं शहर में शहर ने पढ़ाई करी पण तीनों ने तो कोई ज्ञान लागो है पण पोछा रे ज्ञान नहीं लागो पोछो जी थोड़ी दूर तो बैठे बैठे हमली हम पसे जो वे मन भीड़ देखी पण मन को भेड़ा जाता रिया देन हस्त भगवान शहर में गया ए में महाराज सेविदास जी बात करता करता जटवन तीन भाई बैठा था उन्होंने पूछी रही थी तीन जना बैठा वो भाई चौथोड़ो पसो कटे के बाबा कांटा शहर में गई हुई तो रो आवी देखो दिल्ली शहर देखो गई हुई तो रो आवी और आज भी इन्हारे भजन गावा टाइम हुई शहर भजन गाया फिर गुरु महाराज सेविदास जी पूछे भाई पसो नहीं आयो खे बाबा रो आवी नहीं आई तो हवार रो आवे हवार हुई महाराज पूछे रे चोरा पसो नहीं आयो के बाबा जी नहीं बने तीर्थ करना नहीं लिखी आई तो पासो गिर अपने कन्नी चिंता करो अब वे तीन तो दरबार रा कवर ने चौथा गुरु महाराज बटाऊ रवाने हुआ पोछा जी कहा हुआ के बास तारा है आपरा हाथी घोड़ा बीजा सब ठाइए बांधिए नौकर आप जगह माते जाए उबारिया पोछो जी बास तारा वो दरबार है आगे बटे दिन हाथ में रफे रहे पूछिए अरे कौन है तो मु राजपूत हूँ अटे तो के मारे नौकर रहना पोसे ही जानिए कि श्यार मीना महाराज कने खटकर्म नी पड़े की दिए ज्ञान तो हमें है ही जे पण बास्ता रो कारखानो देखी तो अल्लाह ही कारखानो है तो भगवान रो इतरी खानो जाने चको के मारे टे नौकर रहनो है तो ये आदमी कर भाई नौकरी करनी वेदा टे बास्ता रहते जगह घणी ही रहवाने पोसे जी उठे कटी पोरा होरा माते नौकर रिया ब्रा ए में जो गुरु महाराज ने तीन ही भाई है तो जो गया हरिद्वार ने गया बद्री ने गया प्रयाग ने उन जो चार महीना तीर्थ घाट माते फिरता रिया चार महीना तीर्थ करें पासा है फिरता फिरता दिल्ली आया दिल्ली वणी जाता री वक्त पड़ाव की दो वन जगह जाओ इन पासो पड़ाव की दो और रात्रि टाइम हुई नोनार तो वो भजन गावा रो टाइम हुआ भजन गावा ढूंका अटिन पोछा जी रे वो नौकरी पण फोरो उतरियो पोछे जी जे की राग हमरी आ तो मारा भाई और मारा गुरु महाराज री राग है पोछो जी बटाऊ आया है आवीन आपरा गुरु महाराज ने नमस्कार करी आपरा भाई ने मिलिया फिर बैठा महाराज सेविदास जी पूछिए पोसा तू जदू को उठी जे नहीं तो मारे हाथे तीर्थ करवा आयो नहीं तू घरी गियो खे बाबा जी घरी नहीं गियो तो मु तो अटी जू के अटे के मु बास्ता रेटे नौकरी करू भला ठीक है बास्ता रेटे नौकरी करे जर मारे हाथे आई तो तीर्थ करीने आवत अच्छा अच्छा ऋषि महात्मा रा दर्शन करत वटे पवित्र भूमि है वटे जावा थी अपनो मन शुद्ध वे और तू अटे ज रियो के बाबा जी तीर्थ माते ने बीजे का धरियो तो अटे का देखियो अटे तो बाबा जी आप बास्ता रो जो कारखानो देखियो है तो अल्लाह ही कारखानो है एड़ो कहां रे पोसा बास्ता रेटे के बाबा जी बास्ता रेटे तो आप एक जाजम फ्री देखी वे तो क्या जाजम बणी है तो एड़ी कहड़ी है जाजम भाई के बाबा जी देखी बने आवे हाँ जाजम तो देखी बने आवे तो ठीक भाई वही बास तारी जाजम तो फौरी क्यों वे अरे पोसा कहा पसे बात जाजम वसावनी पड़े क्या बाबू जी वसावनी पड़े न होवटनी पड़े मेली वे तो धोवनी पड़े न परी उपटे तो उन्हें पासी रंगावनी पड़े फाटे तो हेवाकारी करना पड़े तो के भैया जाजम काशी है पोसा कहा अपना धनी री जाजम से देखी है काला थे बास तारी जाजम देखी पण अपना धनी री जाजम नहीं देखी थे के ना बाबू जी अपना धनी री जाजम केड़ी मैं नहीं देखी तो सेविदास जी महाराज के देख पसंद सवाई
કે કે પોસા અપના ધણી ની જાજમ થઈ નહીં દેખી કે ના મહારાજ હું નહીં જાણું તો દેખ પોસા આસમાન તંબુ ગરી મેર થંબા નહીં અપના ધણી ની જાજમ હે ધરાસરી કી જાજમ રાજ રે રંક રાવ ઠકરાઈ એ પોસા ધરતી માતા અપના ધણી ની જાજમ હે રાજા ને રંક ને ફકીર ને બાદશાહ ને અમીર ને ગરીબ સબ અન્ય માતે હે ભલે હાથ હવા હાથરો ગદરો પરો લગાવે તોય પણ રે અન્ય માતે અદર કરને નહીં રહેતો ધરાસરી કી જાજમ રાજ રે રંક રાવ ઠકરાઈ યારા ધાગા કબુ ને તૂટે ભીને જી બહોત સવાઈ એ પોસા ધન માતા અપના ધણી ની જાજમ હે અન્ય કદી માયથી ધાગો નહીં તૂટે આર ચાર મહિના સમાસારી પરી ભીને જર દે અન્ય માતે બહોત ખલે ધરાસરી કી જાજમ રાજ રે રંક રાવ ઠકરાઈ જ્યારા ધાગા કબુ ને તૂટે ભીને જી બહોત સવાઈ રે પોસા ગળે જકો નર કાસા એ પોસા જી જો સંસાર મે ગળે વેસી જો કાચી હે હર પૂરી પાસ થઈ પોસા પૂરી પાસ થઈ આ તું વાસ તારી પાસ થઈ આ પૂરી નહીં હે હરીરી અપના ધણી ની પાસ થઈ વા પૂરી હે હર પૂરી પાસ થઈ રે પોસા ગળે જકો નર કાસા બતી જાય નારાયણ હરી પણ તંબુ એક જોરદાર હે કેવું કે પોસા જી તો મન વટે લાગોડો મહારાજ તો સુધી મને ઉપદેશ કરે પણ પોસા જી મન તો બાસતાર વટે નોકરી કીધું જે બહુ જ દેખી જાય કે બાવાજી આપણા ધણી ની જાજમ તો વધતી જાય પણ બાસતાર વટે બાવાજી તંબુ એક જબરદસ્ત હે તો કેડો તંબુ ભાઈ કે બાવાજી એક તંબુ રે મેં 2000 મનુષ્ય બેઠ શકે અત્રો મોટો તંબુ હે મા ચાર પાડે દરવાજા લાગોડા ને મા જો કપાટ અલમારીયા લાગોડી વે ભાઈ બાસતારો તંબુ એવો કમ કયું હે પણ પોસા અપના ધણી રો તંબુ તું જાણે ના બાવાજી હું નહીં જાણું તો ફિર ગુરુ મહારાજ કે સેવીદાસજી મહારાજ કહે પોચા તું બાસ તારા તંબુરા વખાણ કરે પણ આપણા ધણી નો તંબુ દેખ આસમાન તંબુ ગરી મેર થંબા ઓ આકાશ હે આસમાન દેખી જે આપણા ધણી નો મોટો તંબુ હે સંસાર મેં જતરા તંબુ હે ત્રહે અને મેં પણ અમને ઉપર કોઈ તંબુ તાળી દેવે તો બતાવ ઓર જન જન તાળીઓ ઉણન તાળીઓ તો હજી કોઈ હાઉટવારો કોમ કે કટી આગો પાછો હરકાવાર કોમ નહીં હે નાની ડોરો કટી ખેંચણી હે કોઈ દિલી આતી કરણી હે આસમાન તંબુ ગરી મેર થંબા સતકી ડોર લગાઈ અષ્ટકળી પર્વત ખૂંટા રોપ્યા ખંસી ખંસે ના કાય રે પોસા હર પૂરી પાસ થાય એ પોસા પૂરી પાસ થાય તો હરીરી હે ગળે જકો નર જગ મે કાસા પોસા હર પૂરી પાસ થાય એ પોસા જો નાસવાન સીજા ગળે વણો રખા વખણ કરના હે કે બાવજી ઓ અપના ધણી રો તંબુ તો વતઈ છે તો જર કલા થે પાસ તારા તંબુ ને ટી તું બેઠો રિયો મારા હાથે આયો વી તો તીર્થ યાત્રા કરીને આવત ઓર એ જો અચ્છી પવિત્ર ભૂમિ થી વડે જવા થી આપણો મન શુદ્ધ વે કે બાવજી આપ કો જ કો ઠીક જ હે પણ વાસ તારા ટે
वाजा जोर रहा है केड़ा वाजा एक बाव जी सती से वाजा के तो बासता रहते तैयार है वे भाई बासता वाजा बंड बासता तो वेज के पण अपना धणी रा वाजा तू जाने पसा गवा जी मुनी जान तो देख पसा इंद्र प्रदान पवन पाकरी और रथ पर करे सड़ाई जरे श्रावण भाद्रो आयोड़ो वे इंद्र तो अपना धणी रे प्रदान है और पवन आगे पाखरी हो इंदर प्रदान पवन पाकरी और रथ पर करे सड़ाई आवतड़ो नर गेरो गाजे न वरता घणी नरमाई आई जरे गाज न मोड़े दरवटे बीजा बाजा नहीं सके आवतड़ो नर गेरो गाजे वरता घणी नरमाई पोसा हर पूरी पास्ता रे पोसा गले जको नर कासा खेवा सी हां ए बाजा तो अपना धनी रथ बताई तो जरे काला थे देखी का तो पण कोथा रे तो वो जीव वास्ता रे देखी रे जको वटी नहीं जो मन जाए के बाबू जी ये तो एम ठीक है अपना धनी रे तो सीजो वती जे पण वास्ता रे रसोड़ो जोरदार है केड़ो के बाबू जी वास्ता रे कतरा मन रसोड़े जी में अण गणती रा ठीक पसे अतरा मन जी में कोई जिमी अनि जिमी आ रही कोई वन्नी भगत वे के बाबू जी कहो पता लागे बेटा हूं आत्मी उसमें कई जिमी है कई है जी रे भाई बाजी वन्नी भगत नहीं करे कौन जिमी है कौन नहीं जो वन्नी नगे नहीं करे तो भाई रसोड़ो कानो तो पोल खानो है तो अपना धनी रो रसोड़ो तू जाने के ना जर काला देख तो गुरु महाराज सेवी जाती के पछा अपना धनी रो रसोड़ो है सालू है जितने बासता रसोड़े हाले अपना धनी री जो मनोरिपरी फरे तो काले बासता रसोड़ो तो बंद रह जाए अलग रसोड़े कुमेर भंडारी के पछा अपने धनी रो रसोड़ा बटे कुमेर जी महाराज भंडारी जी कुमेर रा भंडार बटे कान नी कमी अलग रसोड़े कुमेर भंडारी सबकी आस पूराई कीड़ी कुंजर ने वरो पूर्वे भूल भ्रम न कायरे पोसा हर पूरी पास्ता है अपना धनी रे बटे भूल भ्रम नहीं है के बटे बटे पोत वेरो नहीं है कीड़ी ने कण ने हाथी ने मन टेमो टेम पूरे कीड़ी कुंजर ने वरो पूर्वे भूल भ्रम न काई पोसा हर पूरी पास्ता है रे पोसा गले जको नरकासा हम पोसा जो मन देगी रे बात के महाराज जको ठीक है जको कुदरती सीजा है अपना धनी री वे तो वत्ती से मूण नकली सीजन में पड़ियो पण भले एकार तो मन देखे को ज्ञान रूपी है महाराज के ओई ठीक है एकार भले वो वास्ता वालो बटे नौकरी किदड़ी जे वो दिए हां बावसी बीजो तो हैंग अपना धणी रे सीजन तो वती जे पण वास्ता रो हुकुम जोर पण भले एकार तो मन देखे को ज्ञान रूपी है महाराज के ओई ठीक है एकार भले वो वास्ता वालो बटे नौकरी किदड़ी जे वो दिए हां बावसी बीजो तो हैंग अपना धणी रे सीजन तो वती जे पण वास्ता रो हुकुम जोरदार आले तो कड़ो हुक्म आले के वास्ता कहे कने कोई गुनो करे तो जाओ फलाणा जोरदार कर लाओ कने सजा दिए कने जेल दिए कने फांसी दिए वही भाई के वास्ता रो हुक्म तो मुझे भेज के अपना धनी रो हुक्म थन ठाए के ना बाबू जी मने ठा नहीं तो देख पसा वास्ता रो हुक्म वेन जो धकलो नहीं प्रो जाए तो मने लार दौड़ने पड़े पकड़ावे पकड़ावे नहीं अपना धनी रो हुक्म हुआ पे वो कटी फरार नहीं वे के और बाजता रहते तो पुलिस के कोई सवार है अपना धनी रे बेटे यम दूत है तो पजे करने फराड हरार नहीं हुआ दिया जमो सरी का ऐदी राज रे आव तो ढील न कई उनारे हुकुम करनो न गरना हद जवे जमो सरी का ऐदी राज रे आव तो ढील न कई जाता जीव ने कने नहीं देखियो खबर वेदी नहीं पाई हां जाता जीव ने पजे बेटे कोई आड़ा नहीं बड़े जाता जीव ने कने नहीं देखियो खबर वेदी नहीं पाई रे पोसा हर पूरी पास्ताई पोसा गले जको नरकासा Yeah.
राम जी काठियावाड़ में, काठियावाड़ में वीरपुर गांव में वीरपुर गांव रे मैं जलाराम भक्त बोलाया जलण वणारे एड़ो एक नियम लीधोड़ो तो के कोई द्वार माते संत आवता ओपी तो बोले हासा संत आई आवे तो कोई वे पाकंडी फिरता रे पण वणारे एड़ो नियम तो कोई भी बोले वागरी साधु रो रूप करेंद्र आवतो तो वे मंती जानता को अपने घरे भगवान आया एड़ो वणारे नियम लीधोड़ो तो मने गोमरा वीरपुर गोमरा मन कहता के भाई मन काला है हां एटी एटी मजूरी करे दोणा लावे जतरे कोई साधु आवे मने नहीं दिया तो भूखे मरते ज बैठे है तो यूं करता करता एक दिन भगवान है क्योंकि वने द्वारा माते ज्यादा साधु आवा ढूंढ जर वने कदी घर में कोई नहीं वेजर वने दुख वे तो भगवान साधु रो रूप बनावे शरीर रे माते कोरी भस्मी लगाई होड़ी आका शरीर रे तो भस्मी भभूति कोरी राख लगाई होड़ी एक लंगोटी पहरवाने ने धोतियारो आधे एक धोतियारो टकड़ो जनी जोड़ी बनाई धोतियारा टकड़ा रे सारी पल्ले गोटो देबरी ने खवा में जोड़ी गाली जोड़ी कदी फिर गोड़ो थी नीसी लट गई ने आदर में वदा वना घड़ियो एक धोको अपने तो अटे काम के साधु महात्मा रात में राखे ने घूटो के ने बेटे गुजरात में के धोको तो भगवान डींगो शरीर तार डींगा ने कोई अंशी हो वर्रा वे जड़ा शरीर गाबड़ी ना हाथ ने बिल हैं दूजे ने आ धवली धवली लंबी लंबी दाढ़ी आयोड़ी आर भगवान है जिको बटे साधु रूप करें जलाराम बापू रे बटे आया तो आते ही अलग जगह जलाराम और वीर भाई लोग दो ही लोग लुगाई आया और भगवान रे हमो देखियो जलाराम के सदी साधु आवे पर आज खास भगवान आज आया मन में तो ओढ़ किया मैंने तो अब जलाराम भगवान ने कहे काल जूनी कायनी धोली धोली डाडनी काल जूनी कायनी धोली धोली डाडनी आख वे झूले झोली तो भारी रे जो भीड़ो काल जूनी कायनी धोली धोली डाडड़ी काल जूनी कायनी धोली धोली डाडड़ी एना खवे झूले झोली भारी रे जोगीड़ो आयो जातवारे भभूतीनो भोगी वाले वाली से लंगोटी भभूतीनो कड़ी में आत्मनी खुमारी रे अलग घणी ओ लिया रे एजी आकड़ी में आत्मनी खुमारी रे दर्शन देवा दा जोड़े युवा नर ने नारी रे अलग घणी ओ लिया रे हाथ जोड़े युवा नर ने
नायक धनी ओलिया सालिया से धर्म विसारी रे सिवारे करवा सांतनी रे सती सालिया से धर्म विसारी रे सिवारे करवा सांतनी रे वनरी वगड़ा में आया झोली सोएड़े बेसाणी रे खोवायो मारो जोगियो रे सती ने वड़लानी सोएड़े बेसाणी रे खोवायो मारो जोगियो रे गोविंद नाना ते गया रिदिए ने सिद्धि आपी तानी एलानी वंसानी रे साराई सोरठ दे तुम्हारे एजी वार तानी एलानी वंसानी रे साराई सोरठ दे के काल जूनी काया एनी धोली धोली लाडली भगवान ने पूछे महाराज थी तो घना वर्षों रा देखी जो काल जूनी कहता थी घना वर्षों रा वरा घना टाइम री थारी उम्र है काल जूनी काया एनी धोली धोली लाडली हां
खबे झूले झोली एक भारी रे दर्शन देवा दास ने, आपको शीतलिन दास ने दर्शन देवाया। बबूती नो भोगी बावे वाली से लंगोटी थे, बीजी चीज कोई आराम री चीज भोगते ही बोले कोरी बबूती से रखो। बबूती नो भोगी बावे वाली से लंगोटी, अरे थारी आंकड़ी में आत्मनी खुमारी, खुमारी करने के नशा ने के करने कान में गोंजारा नशो आंख में वेकने अमल रो देखी ने, थारे तो आत्मारी में नशो देखी जे, क्योंकि वे तो भगवान ही था। एनी आंकड़ी में आत्मनी खुमारी रे एक अलग धनी ओलिया। तो फिर के काल ने मारण जे वो धोखो धरियो हाथ में, महाराज थारे वो धोखो हाथ में एड़ो है के धोखा ने देखे काल ही लंबो जाए। काल ने मारण जे वो धोखो धरियो हाथ में, अरे खबे झूले झोली एक भारी ने दर्शन देवा दास ने। पगले पावन किना ओंगणा हमारा बापू, जलाराम के भगवान ने कि आप आवाती मारा पग करे थी माने पावन की दो। पगले पावन किना ओंगणा हमारा बापू, अब पूरी करूं मांगनी तुम्हारी अलग धनी ओलिया। आप रे कहां सही जे अनड़ानी मांगे बाबू पौनीड़ानी मांगे, अरे मांगनी से मांग थलती न्यारी रे दर्शन देवा दास ने। भगवान के भाई मारी मांगनी जितना थारे द्वारे साधु आवे वे कोई कोई रोटी मांगे पानी मांगे पैसा मांगे कपड़ो मांगे, पर मारी पण मांगनी थी मांग थल मारी न्यारी है। तो के बावची रसोड़ा उदा पधारो, जो कोई आप मांगो जो कोई दो रसोड़े पधारो बाबू, जलो है वो बोलिया हमें पूरी करूं मांगनी तुम्हारी अलग धनी ओलिया, जो को आप मांगो जो को मिली। तो भगवान ने जलाराम रे अगर थोड़े आवे ने के ये जलाराम बुड्ढो हूं, मारे शरीर की हालत को ले मारे रोटी बनावारा फोड़ा पड़े, जो का वीर भाई थारे जो स्त्री है और वीर भाई ने मारे हाथे सेवा करवारू मिले तो मिले ना, सही है रोटी पानी ना सही है धन माया मांगू सु जला तारी नारी रे बाबू जी अड़ू बोलिया। भगवान के है कि जला तारे तारी स्त्री वीर भाई मेल, तो भगवान ने अपनी पर ओढ़ किया था हाथ तक हाथ झेली जले सौंपिया सती नारी, हाथ ती हाथ पकड़ी भगवान रे हाथ में जलाइयो, हाथ तक हाथ झेली जले सौंपिया सती नारी, सती सालिया से धर्म विसारी के धर्म रे कारण जानो है आए मारे पति री आज्ञा है संतरी सेवा करवा जानो, हमें कोई धर्म री होनी नहीं, सती सालिया से धर्म विसारी सेवा करवा संत ने। तो शहर गोम थी बारे आया और चार खेत आया ने वड़ उबो, तो वड़ नीचे आवे भगवान के वीर भाई का और झोली में धोकोटे पड़ियो है थे नगे राग जब वन में फिर ना आऊं। भगवान तो गया देखो आज की घड़ी काल की पेपर, वीर भाई बैठे 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 दिन आत्मियों भाई भगवान कटिन गया वन वगड़ा में आविया झोली है ने धोखो आपियो, सती ने वड़ला ने साई ने बैसाणी खोवाइयो मारो जोगियो, भगवान कटिन गया गया मन खेतरों में घरे आवे देखी, अरे वीर भाई दिन आत्मी थी अटे की बैठा के मने तो मना एक महाराज री सेवा करवा मिली है महाराज आया नहीं, अरे के थे तो भाई मन खे उम्र रा काले जो वो कोई पाकंडी वे तो लोबा गया वे ने थे घरे आओ रहा ना घरे आऊ ने मारे पति का कई मने मने भगवान री सेवा करवा मिली थी मुनि आऊ अब गणा ही समझाया मनु के नहीं मन गांव में जाए जलाराम ने कियो थे जाए को जो वे घरी आवे बटे तो कोई महाराज है कोई बीजा एकला बैठा ने रात पड़ी है जलाराम गया है गांव गियो पर जलाराम के मुड़ा थी तो मुई नहीं कहूँ सती थी घरी आओ कई तो वही भगवान पास आवे कई तो मन कहें रात बड़ला रेटे तब सी अकी दी भाई मन गुटे बैठा गोमरा लोग बैठा अब भगवान देखिए ओ तो घरे जाए नहीं जलाराम कह नहीं वीर भाई जाए नहीं तो भगवान वो इस रूप पर गिरे सुबह पसा आया आवेन कियो वीर भाई माते हाथ फेरे जलाराम वीर भाई के घरे जाओ फिर ना महाराज मैं मिथुन ओल किया घरे नहीं जाऊं आए घरे जाऊं पर मारे घरे संत घना आवे जो करे नी वे घर में जर मार तो संकट आवे जरे भगवान वाइस जोड़ी ने वोइस धोखो उन जलाराम ने दी दो जान तो जोड़ी री धोकारी पूजा करे बोले करोड़ हजार करोड़ मन जी में थारे कमी नहीं आए जर के गोविंद नाथ गैया रिधि ने सिद्धि आप भगवान तो जाता रिया और जलाराम ने वीर भाई ने रिधि सिद्धि दी दी गोविंद नाथ गया रिधि ने सिद्धि आपी इनी वार्ता री एलानी वंशाणी रे सारा सरोट देश में आई जलाराम रोमर नाम प्रभु Yeah.
મગદાજીન મન રો એડો અભ્યાસ હે ખમા મહારાજ કે પલક મે મન રાઈન પલક મે માસો માસો ખમા મન તું મેરી માન લે વાર વાર કહ તોય રામ નામ સિમરણ વિના નિસ્તારો નહીં હોય નિસ્તારો નહીં હોય ગુંદડા ખાતો જાવે જાવે ભવસાગર કે માય ગુરુ વિના કોણ વસાવે વસાવે પ્રતાપ રામ કત કે લીજે ઘટ મે જોય મન તું મેરી માન લે વાર વાર કહ તોય ખમા मन ने मारवा वन गयो वंतज वस्ती माय कहे कबीर क्या कीजिए ओ मन ठहरो न जाय खमर खमर आवा गरी सन घर कोलिया मंडली मती जावो रे वा गरी सन घर कोल परमंडली मती जाओ रे परमंडली राखी आवरो सद समय टूण जावो रे परमंडली राखी आव अद्वस गोता खाओ रे वागारी धनगार कोयलिया खरा समदोरो रे खारो पानी वो पानी मते लावो रे खरा समदोरो रे वो पानी
सत्री संगत में लाभ घणी रो गुण गोविंद रे गावो सूरत मूरत रे गण घर लावो सूरत मूरत रे गण घर लावो दुबिया ने दूर रे हटाओ सत्री संग सुख पाओ संता फिकर सब छोड़ो कल बना चिंता फिकर सब छोड़ो कल बना होने वे गुण गाओ सत्री संग सुख पाओ सतगुरु श्याम संगत मेरे परसो निरग पर सुखी पावो सतगुरु श्याम संगत मेरे परसो निरग पर सुखी पावो जो तेरो मन कयो नहीं माने जो तेरो मन कयो नहीं माने सुख साफ घर जाओ सत्री संग सुखी पावो सत्री संगत सुख सागर कहिए रत्न अमोल की पावो सत्री संगत सुख सागर कहिए रत्न अमोल की पावो हीरा पर करे नीरक लालन को हीरा पर करे नीरक लालन को निगराई दूर रे हटाओ सत्री संगत सुख पावो सत्संग की दौड़ी कदी निष्फल नहीं जाती और संतरी समागम है वह तो कदी निष्फल जाए नहीं। अरे संतरो जो भेटो वे और संतरे आते कदी वार्तालाप वे जाए आर तो वो कदी निष्फल नहीं जाए। अरे क्योंकि सत्संग जो है संत वे हमेशा कहे करे कि राम जी री भगवान का नाम री सरसा करे वे आपन एक तरह रो हमिंसार दिए है जो कोई आदमी ना पे हमिंसार पूछा जो वाणी है वेद जे दे ये सब परमात्मा रा नाम रा अपना भगवान री भक्ति करवा रहे हमिंसार है ए वेद शास्त्र वाणी है एक संदेश है जो कोई संदेश दिए अपने फलाने आदमी तारे बटे कुशल है जो ये उन घर संदेश है इन वास्ते सत्संग है आ कदी निष्फल नहीं जाते और कदी सत्संग करे है नी भगवान री कथा वार्ता करे उन्न वरना अपने वरना स्वभाव नहीं देखना उन्ना गुण नहीं देखना अपने तो उन शब्दों रहे जो कहे शब्दों रहस्य जो है मेरे में वो देखनी है। अरे
કવિ ને નહીં દેખણો પણ કવિતા ને દેખણી હે શબ્દો નો અર્થ કરનો આપણે ભૂલ હે કે હંમેશા કોઈ ભગવાન રી કથા કરે કીર્તન કરે વણી હે જો કવિ ને આપી દેખા કો આદમી ભજન કરે વો એડો હે હું કવિ ને મત પકડો કવિતા ને પકડો જેમ કે કે જો આપણે કાગદ લઈને આવે ને ડાકિયો ઓપર તો કાગદ મેં હંમેશા રે બે દેખના ડાકિયો સ્વભાવ કેળો ઉને કપડા કેળા પહેરો ને વો સત્સંગ કીડોડી કદી નિષ્ફળ નહીં જાય સત્રી સંગત મેં લાભ ગણેરો ગુણ ગોવિંદ રા ગાવો અર કઈ જણા યુ કે અરે તો એટ બેઠા જતરી સત્સંગ રી વાતો કરે હવા રાત પર પોંતરી અરે અરે કદી સત્સંગ કીડોડો પોંતરો નહીં પડે સત્સંગ ભલે હા મારે જેડો જડ બુદ્ધિ રો આદમી હે અગર એક દન સત્સંગ મેં પ્રો ગયો હે અરે યા મને કોઈ જબરદસ્તી હાથે લેન પરા જાય કે આજ થને હાલ ન જ પડી જિંદગી મેં સત્સંગ નહીં કરી હું આદમી સત્સંગ મેં રો આવે અરે ઓર હું સત્સંગ મેં કોઈ કોઈ ઉને પલે જરૂર પડે પડે આર વો કઈ વેગ બીજે તીજે દન વળે કદી સત્સંગ કટી કોનો હમળે નહીં તો ઉનો મન જરૂર વેગ વણદની કોઈ કોઈ મને આનંદ આયો આ જરૂર જાણો તો હે અરે માશાઅલ્લાહ યાદ ભલે મને સત્સંગ મે બેઠો ઉને યાદ રાત ભર ભગવાન રી કથા કીધી હે કીર્તન કીધા યાદ ભલે કોઈ નહીં રે અરે પણ અતરો જરૂર મને કાંટરા આનંદ આવે મને ઠા તો નહીં હે કે કાંટી આનંદ આયો વો તો મને ઠા નહીં હે પણ મને પાછી સત્સંગ હમળી જવાર મન જરૂર વે અરે કેમ સત્સંગ કીડોડી કદી નિષ્ફળ નહીં જાતી સત્રી સંગત મેં લાભ ગણેરો ગુણ ગોવિંદ રા ગાવો સુરત નુરત એકણ ઘર લાવો દુબદિયા ને દૂર હટાવો હટાવો સત્સંગ એડી કરની કે આપણી ચૂરતા જ કોઈ સ્થિર બે જાય તન થીર મન થીર થીર જો સુરતા હોય દાદુ એસે પલક ને કલ્પન પોચે કોય તન સ્થિર બે જાય મન સ્થિર બે જાય આપણી સુરતા ભી એક જગે આવે જેથી સત્સંગ વણે તન થીર મન થીર થીર જો સુરતા હોય દાદુ એસે પલક ને કલ્પન પોચે કોય દાદુજી મહારાજ કહે કે કલ્પાંત વર્ષ તપસ્યા આપણી કરે તો ઉણ એક પલકરી હોડ નહીં કરે સત્સંગ એડી થઈ ગઈ સત્રી સંગત મેં લાભ ગણેરો ગુણ ગોવિંદ રા ગાવો સુરત નુરત એકણ ઘર લાવો દુબદિયા ને દૂર હટાવો અરે સંતાન સત્રી સંગ સુખ પાવો સંતા ફિકર સૌ છોડ કલ્પના મેં હોય નિર્ભય ગુણ ગાવો સતગુરુ શ્યામ સંગત મેં પરસો સંત ભેટના હે સંત ને ઓળખના બડી મુશ્કિલ હે કે સંત અજબ હે અર અજબ ને ઓળખવા વાળો કોઈ ગજબ વેણો થઈ ગયો તું સત્સંગ કરતા કરતા જ કદી ને કદી ગુરુ ભેટે અરે સત્રી સતગુરુ શ્યામ સંગત મેં પરસો નિરખ પરખ સુખ પાવો ગુરુ ધારણ કરના હે પણ નિરખ પરખ કરે ને ગુરુ ધારણ કરે તો સુખ પ્રાપ્ત વે સતગુરુ શ્યામ સંગત મેં પરસો નિરખ પરખ સુખ પાવો જો તેરો મન કયો નહીં માને તો સુખ સાફ ઘર જાવો અગર આપણી આત્મા કબૂલ નહીં કરે કે ભાઈ અણચંતન ચરણ માં આવે તો કોઈ મને ઉગાડવા ઉઠા નહીં હે એડી આપણી આત્મા એ જો હે ના દે રહી હે યા આપણી આત્મા કબૂલ કર રહી હે કે નહીં અણચંતન સરનો લેવાથી જરૂર મને મારી જીવ રો બંધન થી મુક્ત કરી દે આત્મા કબૂલ કરે જે દે ગુરુ માના સતગુરુ શ્યામ સંગત મેં પરસો નિરખ પરખ સુખ પાવો જો તેરો મન કયો નહીં માને તો સુખ સાફ ઘર જાવો અરે સંતાન સત્રી સંગ સુખ પાવો સંતા ફિકર સબ છોડ કલ્પના હોય નિર્ભય ગુણ ગાવો સત્રી સંગ સુખ સાગર કહીજે કઈ કઈ જગે મહાત્મા સત્સંગ ને ગંગા માની હે ઓર કઈ ભજન મેં સત્સંગ હે કે 68 તીર્થ હે ઓર કઈ જગે કે સત્સંગ કાશી પ્રયાગ હે જગો હે સત્સંગ હે સત્સંગ જગો બતાયે કલ્પ વૃક્ષ હે સત્સંગ હે જે કોઈ કામ ધેનુ ગાય હે ઓર કઈ જગે બતાયે કે સત્સંગ હે વો સમુદ્ર હે સત્રી સંગ સુખ સાગર કહીજે રતન અમોલક પાવો સમુદ્ર ની ઓપ માં દીએ સમુદ્ર મે ધન હે જેત્રો કોઈ જગે ધન નહીં હે એનો વાત મહાત્મા કહે કે સત્સંગ હે જેકો સમુદ્ર હે જેત્રો ધન સત્સંગ મે જેત્રો ધન કોઈ જગે નહીં હે સત્રી સંગ સુખ સાગર કહીજે રતન અમોલક પાવો હીરા પરક નિરક લાલણ કો તો નુગરા દૂર હટાવો અરે સંતાન સત્રી સંગ સુખ પાવો સંતા ફિકર સૌ છોડ કલ્પના હોય નિર્ભય ગુણ ગાવો સત્રી સંગત કર સુખમન સાધો સીત ચેતન સે મિલાવો કે હેમ નાથ સુણો ભાઈ સંતો નહીં કિસી કો દાવો
તારે ગોળ સજી પ્યાલા પાયા પ્રેમ કરે ગોળ સજી गुरु महाराज ऐसो शिष्य ने समझाइयो के संसार में झूठ करने के और हास करने के ऐसो है शब्द रो ज्ञान रो प्यालो जन में सरजीवन बूटी अत्र आत्मा आपरी आत्मा है सरजीवन है आत्मा सदा अमर है।
जने आपने पूर्ण गुरु अपनो आत्मज्ञान बतावे और शब्दों द्वारा उन ज्ञान रो अपने जो आपने ज्ञान करावे। प्याला पाया प्रेम का घोल सरजीवन मूल, सड़ी खुमारी प्रेम की मन हो गया है सकना सूर, बलिहारी जाऊं सतगुरु ने जो सब किया भरम सपूर। कुमता घटी सुमता बड़ी उर आनंद भयो है भरपूर, राग द्वेष जगत की मेटी अब मन भयो मंजूर। आए अब तो के न किसी से दोस्ती और न किसी से वैर है, राग द्वेष जगत की मेटी अब मन भयो मंजूर, बलिहारी जाऊं सतगुरु ने जो किया भरम सब दूर। वो खुद आपकी आत्मा रो प्रकाश है, विमल प्रकाश लिखियो बिना शशि बिन सूर, मन वो मस्त रेवे उन हद में सुनकर अनहद पूर, बलियारी जाऊं सतगुरु ने जो किया भरम सब दूर। जने है गुरु महाराज शब्दों ने पार उतारिया है, शब्द सुना गुरुदेव जी राज जम्मू को पड़ गई धूड, धर्मी दास को आए मिला है सतगुरु श्याम हजूर, बलियारी जाऊं सतगुरु ने जो किया भरम सब दूर।
તૈયારી કીધી તો હું બેટો બોલ્યો કે ભાઈજી આજ હે જાઓ કે હું રાજસભા મેં જાઉં કે રાજા વળે કોણ તને થાય નહી અપને આ રાજધાની હે રાજા એવો સબ રાજ ઉણરો હે સબ હુકમ હાસિલ ઉણરો આલે અપે ઉણરા હે ઉણરી રહે તો અપે થોડીક વાર સુપસા બેઠ બેઠ વિચારવું પડ્યું થોડી જેજ હું કે ભાઈજી બટે ક્યાં જાઓ કે જાણો પડે એમને રીજાવા વાસ્તે રાજી ખુશ રાખના પડે તો કે ક્યું ઉણન ખુશ રાખો કે જેતરા હેઠે હે ની લોગ ના રાજધાની મેં સબ ઉણરો દિયરો વેતન મળે વણ તો ભાઈજી ઉણરે ઉપર કોઈ હે કે હા ઉણરે ઉપર હે વણ રાજા રે ઉપર કોઈ રાજા હે કે ઉણરે ઉપર તો ઇન્દ્ર રાજા હે બીજા હેઠે બીજા રાજા ઉણરે ઉપર એક ની સબ મોટા રાજા હોય છે ઉણરે ઉપર હે ઇન્દ્ર રાજા તો ઠીક ભાઈ ઇન્દ્ર રે ઉપર કોઈ રાજા હે કે ભાઈ ઇન્દ્ર રે ઉપર કોઈ રાજા નહીં ઇન્દ્ર રે ઉપર બ્રહ્માજી મહારાજ હે છોકરો બોલીએ ભાઈ બ્રહ્માજી રે ઉપર કોઈ હે બ્રહ્માજી રે માતા ઉણરી કોઈ ધણી હે કે ઉણર માતા વિષ્ણુ હે તો વિષ્ણુ રે ઉપર કોઈ હે કે શિવ હે કે શિવ રે ઉપર કોઈ હે તો પરિપૂર્ણ પરમાત્મા પરમેશ્વર સબકો પરમ પિતા નિરાકાર જન કોઈ સાકાર રૂપ ની આત્મા રામ સબ ગટ ડોલે રે વણારે ઉપર કે વણારે ઉપર કોઈ નહીં કોઈ નહીં ઓ સબ સબકો પરમ પિતા અરે તો જર ભાઈજી વટે રાજા જન ક્યો રીજાવો પણ આવણા ની સમો હેંગો મોટા વણા ની જ રીજાવો તો આ જો હે સંતાની ઓળખાણ હે કે સબ સીજા દુનિયા મે દેખી અરે और कोई कहे के मारे मुना मिलाई रो अरे जब महात्मा डूंगरपुर जी महाराज की है अरे अगर ओळखाण करनी है तो उन आत्मा राम री ओळखाण कर बाकी ओळखाण झूठी है सब अरे वीरा वो है बलियारी देव थारे अंदर बैठो बोले बोले પણ ભાઈ પૂર્વ જન્મ રા કર્મ નહીં કીધોડાય તો ઉણને હમ કદી મને નહીં લાગે યાદ નહીં કરે પણ ઉનારી વાત આને જો હે ઉની વાત મને અંગ ભી નહીં લાગે હુંનો ભી નહીં સાવે આદુ આદુ નામરા ભયા પ્રકાશ આ પૂર્વલી પ્રીત પિસાણ તંત નામરા સિમરણ કર લે તું જદ સડી નિર્વાણ અરે વીરા વો હે બલિયારી દેવ થારે અંદર બેઠો બોલે વો સબકો પરમ પિતા હે વો સબારે ધણી રો ધણી હોય છે ઉના ઉપર કોઈ ધણી નહીં હે જબ કે वो आयो अगम से सुगम समणो सूक्ष्म भेद गुण जान गेरा गेरा नूर गिगन में गरजे महात्मा रास्तो बतावे गेरा गेरा नूर गिगन में गरजे ये मोटा है एलान जानो एक नहीं तो ये निचाण है ए मोटा एलान वीरा वो है बलियारी देव थारे अंदर बैठो बोले तो वो है कैसा બાળક રૂપી બહુ બુદ્ધવંતો પ્રેમ તણો પર્યાણ પ્રેમ વિગર વટે પહોંચે નહીં બાળક રૂપી બહુ બુદ્ધવંતો પ્રેમ તણો પર્યાણ અવગટ બેઠો પ્રગટ બોલે બોલે છે બોણોય બોણ અરે વીરા વો હે બલિયારી દેવ થારે અંદર બેઠો બોલે
એ વાત હે સુગરારી સુગરા હવે ગુણ સોજે ને લેવે થારા હિરદા મે હિરલરી ખણ અમૃત નીર અમીરસ ભરી આવે પીવે જી કો રહે પરિયાણ જેકો પોસી આવે પરિયાણ પીવે જી કોરા પરિયાણ વીરાબો હે બલિયારી દેવ અંદર બેઠો બાહેર ભીતર આપણે બારે હે આપણે અંદર ભી હે બાહેર ભીતર આપ અપંબર દ્વાદશ તાઈ દીવાણ સ્વામી ડુંગરપુરી બોલી આપ કેડા કરું વખાણ અરે વીરા હે બલિયારી દેવ અંદર બેઠો ગમ કર ગિગન સડાણાજી દોરી અધર લગી રે આકાશા ગમ કર ગિગન સડાણાજી પારે ઉતરણા ધીરજ ધામ ધારણા રે ગાડી સૌદિશ સે તન રેણા જી ધીરજ ધામ ધારણા રે ગાડી સૌદિશ સે I'm not afraid.
ਸਰਬਜ ਪਾਰ ਉਤਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਜਿੱਟੇ ਕਟੇ ਪਾਰ ਵਹਿਣਾ ਹੈ ਅਰੇ ਤੂੰ ਸਾਧਨ ਵਿਗਰਨੀ ਵੇ ਖਮਾ ભગવાન રો નામ એવો જલ્દી પાર ઉતરવાનો સાધન હે ખમા તો બડો ખ્યાલી રો ખેલ હે ખમા ખ્યાલ બિગડ નહી વે અરે ડોરી અગર લગી આકાશાં ગમ કર ગિગન સડાણા સડાણા ઉદાહરણ દીધો હે ખમા કે નટ વ્રત માતે આલે ઉણે તો બળી વ્રત હે અરે ઓર વો નિરાધાર હે ખમા ભક્તિ કે ખોંડારી ધાર હે પણ પાછો કે વો ખોંડારી ધાર તો વળી ખોંડો તો હે વો નિરાધાર હે ડોરી અદર લગી આકાશાં વળી ગમ કરણી પડે ગમ વિગર કોઈ નહીં હે અરે ગમ કર ગિગન સડાણા અરે ઊંચા વિચાર મનકરા ઊંચા વિચાર વે શુદ્ધ વિચાર વે ઉને કે ગિગન સડાણા અરે સડનો કટે નહીં આપણા વિચારો ને ઉત્તમ કરના સબસે ઉપર વિચાર સડાવના હે ડોરી અગર લગી આકાશાં ભાઈ ગમ કર ગિગન સડાણા સડાણા ઓ જીવ નટવો નિરત નગે કર નિરકે નટ વ્રત માતે આલે બડો નિરીક્ષણ કરી ને પગ આગે દીએ અરે લોગ ઉને જો દેખે ને જો પબ્લિક આસે પણ વો કરની હમો ની દેખે અરે અગર જો એક બાર ઉને સંસાર હમો દેખે તો સીધે નીચે આવણો પડે વાહ નટવો નિરત નગે કર નરકે અગમ દેસી મે લેણા લેણા અરે સંતા હર ભજ પાર ઉતરના ઉતરના નિરક નિરક પગ ધરના અન સંસાર મે જોઈ જોઈ ને પગ દેણા અરે ઓ મારે ઓર કાં કર્તવ્ય કરવારો એન કાં નહીં કરવારો ઉની પૂરી ગમ વેણી છે અરે ધીરજ ધામ ધારણા ગાડી અરે હર શાસ્ત્ર મે હર સંત હે જો હર વેદ શાસ્ત્ર મે આઈ લખી હે કે સમા સમા ધીરજ વિગર કોઈ નહીં અરે ધીરજ ધામ ધારણા ગાડી ધારણા પક્કી વેણી છે ખમા ગાડી કને કે ખૂંટો રોપાન કેડો મજબૂત કરે મને ગાડી ધીરજ ધામ ધારણા ગાડી સૌદી સેત ન રહેણા રહેણા સમજીઓડા સંત ને સંશે નહીં તો માયા દેખ તજ દેણા તજ દેણા માયા હે અરે સંસાર મે સબ માયા હી હે ખમા સંસાર કને કે માયા ઓર સંસાર એક હી જે અરે પણ માયા તો શરીર નહી માયા જ કે ખમા પણ માયા મે પાસી પરવલ માયા હે ખમા પરવલ માયા હે કંચન ઓર કોમણી અરે એ તો પરવલ હે ખમા બડી પરવલ માયા બડે બડે ઋષિ હે અરે પારાચર જૈસા વાહ વિશ્વામિત્ર જૈસા ખમા ઓર સિંગી ઋષિ જૈસા અરે એસા અનંત સંત હે જકો કહીએ જો આપ ઉપર જઈને પાસે પડ્યા અરે ઉનોને નીચે લાવવા વાળા કોણે કંચન ઓર કોમણી ખમા વિશ્વામિત્ર 88,000 વર્ષ તપક્યો હતો વિશ્વામિત્ર એક વડરે આપે નીચે આપે બે પ્રાણ તપસ્યા કીધી હતી અરે ઘણા વર્ષો વો વડ જો હેટો વો ની ખમા વડરો ગોડ જાડો પડ્યો દરવે માય ભસ્મે પ્રા પીડણ હતા ખમા આપણે શરીરે વો વડલો દોળે ફરવા લાગ્યો ખમા 17 વર્ષ તક વે વિશ્વામિત્ર તપ કીધો હતો અરે વિશ્વામંત્ર તપ કીધો જ્યારે દેવલોક મે દેવતાને ઈર્ષા હોય દેવતાના રાજા ઇન્દ્રે ઇન્દ્રી પુરી ને કહ્યું કે જાઓ મરતી લોક માં જઈને વિશ્વામિત્ર જીરો તપ ભંગ કરીને આવો ખમા તો દેવલોક થી ઇન્દ્રલોક થી ઇન્દ્રી પુરિયા જન્મે મેનકા નામ પુરી થી મેનકા પુરી આવે ને પવન દેવતા ને બસના મે લઈને જટવણારી પલ ફોલે પેલી તો મેનકા ને બડો ડર હતો અરે સાયત વિશ્વામિત્ર પલ ખોલતે મને પરી બાળી ભસમપરી કરે અરે બા ઇન્દ્રી પુરી મેનકા ને પહેલી તો ડરતી એ સાયત વિશ્વામિત્ર સમાધિ ખોલતે પલ ખોલે ને મે જો શ્રાપ દે તો ભસમપરી કરી અરે બા ડરતી ડરતી ધીરે ધીરે જઈને ઉને આપરા ચરિત્ર કીધે ખમા ઉન ટાઈમ વિશ્વામિત્ર પલ ખોલે દેખે તો ને તો સંસાર ભવન ભી ભૂલ ગયા અરે ઓર ઉનારે વસીભૂત વે ને વણે જો એ વિશ્વામિત્ર એ તપસ્યા ભંગ હુઈ અરે ઓર ઉન મેનકારે સાથે ગર્ભવાસ હુઓ અરે ઓર મેનકારા ગર્ભથી કન્યા ઉત્પન્ન હુઈ ખમા વણ કન્યા ઉત્પન્ન હુઈ ઉન ટાઈમ મે વણ કન્યા રો એ જે નદી કિનારે જન્મ દેતે વા ઇન્દ્રલોક મે જાતી અરે મેનકા હે વિશ્વામિત્ર જીરો તપ ભંગ કરે અરે ઓર વા ઈ કન્યા ને નદી કિનારે જન્મ દેતે ઉન કન્યા ને છોડી નદી કિનારે વા તો ઇન્દ્રલોક મે પાછી જાતી રી કે ઉનનો કામ હતો કામ કઈ પૂરો ન જાતી રી અરે વા કન્યા હે નદી કિનારે નંદ ઉગતા એ કહે જો બટે સબ ઋષિ મુનિયર આશ્રમ તા એક કમાન્ડર કરીને ઋષિ થા ઓ કમાન્ડર ઋષિ નદી કિનારે ગયા હે અરે સ્નાન કરીને રવાને હુઆન કે ઉણ કન્યા ને દેખી ખમા તો ઉણ કન્યા રે દોળ દોળે બગદાજી સબ પક્ષી જાનવરો રી ભીડ લાગુ રી અરે જૈસે કાગલા હે કે ગરજા હે અરે
और उन हियाड़ी आए उनरी पशु और पंकेरुरी भीड़ थी पण कणे पण कन्या रे जाय ने टस नी की दो खमा उने कवंडे रेसी देखियो रे अतरी आ जानवरों री भीड़ की करे अरे जाय देखे तो वा कन्या है अरे बन ऋषि विचार की तो जीवता बाल ने सोड़ी निकी कर जाए अरे वन कन्या ने कमंडल ऋषि आश्रम में लावे उनने जो झाड़ करो रस पावे पालन करे उनने पोषण मोटी की दी अरे वह कन्या बड़ी हुई उन टाइम में जो जो कमंडल ऋषि ने मन में चिंता हुई कि कन्या मोटी हुई है तो अब ऋषि आश्रम में फटे अरे फटे थी तो उन कन्या रो ब्याह है अरे हसनापुर राजा दुष्यंत रे हाथे उन कन्या सुकंतला रो ब्याह हुआ खमा उन कन्या रो नाम बने ऋषि राखियो सुकंतला सुकंतला उन्नी माँ तो हती इंद्रीपुरी मेनका अरे और उन पिता था विश्वामित्र खमा ने पालन की दो एक कवंड ऋषि खमा और कवंड ऋषि वन कन्या लादोड़ी थी उन नाम राखियो सुकंतला सुकंतला नाम की राखियो उन सुकन एड़ा था कि कोई पक्षी उन सोच नहीं लगाई अरे इन वास्ते उन नाम राखियो सुकंतला सुकंतला रो ब्याह राजा दुष्यंत रे हाथे हुओ राजा दुष्यंत उन्हें चोड़ी आश्रम में जाता रिया अरे और उन्हें जो सुकंतला रा गर्भ थी पुत्र उत्पन्न हुआ पुत्र उत्पन्न हुआ तो उन्होंने नाम राख्यो भरत 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 5 साल रो 5 वर्ष रो हुआ जत्र राजा दुष्यंत वन्ने पासा सुकंतला ने लेवा नहीं आया अरे जब कमंडल ऋषि कह गए बेटी तू हमारे ऋषियों आश्रम में नहीं खटे नहीं खटे तू थारे घरे जा अरे और 5 वर्ष भरत थारे हाथ है तेरे थाने कन्नो डर नहीं है अरे वाह साहब वाह वाह महाराज वाह तो भरत है अरे उन जंगल में ऋषि मुनिया आश्रम में रहता जो दिन रंबो खेलवा जातो जद कते सिंह देखतो तो सिंह ने कौन दी पकड़ी माते चढ़तो उनर भेड़ो रमतो कोई कुत्ता रे भेड़ा की कर रमे सोकरे अरे इन मापा के जको उन सिंह ने पकड़ी पकड़ी कौन दी माते चढ़े ने सवारी करे ने फरे ने रमे खमा जतरा वे ऋषि मुनि ता हैं कमंडल ऋषि ने कह रे भाई आ कन्या और ओ बालक अटे ऋषि आश्रम में नहीं खटे जब कमंडल ऋषि कियो के हे बेटी पुत्री तू थारण पुत्र भरत ने लेन तू थारे घरे जा हस्तिनापुर राजा दुष्यंत रे उठे अरे और जब तक थारे हाथे वो भरत है जब तक थाने कोई तरह रो भय नहीं है अरे वो बालक भरत है खमा वो अपना हिंदुस्तान रो राज करवाती अपनो भरत खंड बाजी अरे तो ऐडा विश्वामित्र जेड़ा खमा और पाराशर ऋषि जैसा और सिंगी ऋषि जैसा अरे और उन माया चक्रती अलगा नहीं है खमा तो आज रा कलयुग रा ऋषि मुनिया तो कोई कहवा में दोष देना ही नहीं है अरे जद कहे हैं अरे माया में संसार में माया में परबल है कंचन और कौमणी अरे इन वास्ते कहे के धीरज धाम धारणा गाड़ी सौंदी सेतन रहना रहना समझियोड़ा संत ने संसी नहीं है तो माया देख तज देना तज देना अरे संत भाई हरवज पार उतरना अरे थोड़ो निरख निरख पग धरना संत हरवज पार उतरना उतरना सुन समान सरोवर से ही जा हूं तू नहीं कहना कहना संसार में जीव मात्र प्राणी सब में कोई में ईश्वर ज्यादा कम नहीं सब में एक समान है अरे सुन समान सरोवर से जा हूं तो नहीं कहना कहना संदृष्टि होई ने जाओ सकल में जिते अपनी मनसूरता जाए जिते ईश्वर इस देखो अरे और ईश्वर कण में ज्यादा कम नहीं ईश्वर सब में बराबर है खमा कीड़ी में वो है कुंजर में वो है नर नारी में एक ही व्यापे दो ही जगत में दर्शे क्यों क्यों बालक होई रोवण ने बैठो माता होई बस्कारे क्यों खमा ऐसी भूल जगत में ना की जहाँ देखूं जहाँ तू ही सुन समान सरोवर से ही हूँ तू नहीं कहना कहना समझा समदृष्टि हो जाओ सकल में थोड़ थिरप नहीं थाना संत हरवज पार उतरना उतरना भगवान जो है परमात्मा परिपूर्ण परमेश्वर वो है खमा वो है जो सब जगह सर्वदेशी के भगवान है सर्वदेश में कोई जगह खाली नहीं है भाई अटे भगवान है न अटे नहीं है कोई जगह है ही खमा सुन समान सरोवर से ही हूँ तू नहीं कहना कहना समदृष्टि हो जाओ सकल में बटे ठोड़ थिरप नहीं थाना थाना अरे संत हरबज पार उतरना निरख निरख पग धरना संत हमें हरबज पार उतरना उतरना तो वो है वो है अण नजरों देखवा में नहीं आवे अरे और अपरी पकड़ में नहीं आवे वो अनुभवती है जो आपने आप निरके सको अरे अण आंखों देख नहीं सको और अपना हाथों उन्होंने पकड़ नहीं सको
દ્રષ્ટિ ની પડે મુષ્ટિ ની આવે એસા અગમ પિયાણા કે બના નાથ સુનો ભાઈ સંત સો પદે નિર્વાણા હરે સંત હરવજ પાર ઉતરના નિરખ નિરખ પગ ધરના સંત મે હરવજ પાર ઉતરના ज्ञान रे दियान राए दोरार लागा लगरी सूरत ज्ञान रे दियान राए दोरार लागा लगरी सूरत अलकपुर तेरा
I'm not.